अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे पोर्ट्सविगर के हवाले से कि पोर्ट्सविगर क्या है, वेब सिक्योरिटी एकेडमी क्या है, कैसे आप यहां से लर्न कर सकते हैं और इसकी लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियसली कुछ वीक से मैं इसकी लैब्स के हवाले से जो है वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप इसी चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत से एंथुजियस्ट जो कि साइबर सिक्योरिटी लर्न करना चाहते हैं और फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, उसको उनको इस प्लेटफॉर्म के हवाले से प्रॉपर अवेयरनेस और गाइडलाइन नहीं हासिल है। तो इस हवाले से मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। साइबर सिक्योरिटी लर्नर्स के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके हवाले से अवेयर नहीं हैं, इवन आपकी ओवैस्प टॉप 10 की सारी सारी जो अटैक्स हैं उनको ये कवर अप करता है और उससे भी कहीं ज़्यादा ये चीज़ें इसमें कवर अप कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए है बल्कि एक्सपर्ट्स भी इसको यूज़ करते हैं, अपने स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। तो बात करते हैं पोर्ट्सविगर की। बेसिकली ये एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट है बहुत ही फेमस बर्प सूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्प सूट क्या है, ये एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। यहाँ पे आप ऑटोमेटेड अटैक्स जो है ट्रिगर करवा सकते हैं, मैनुअल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अटैक्स को ट्रिगर करवा सकते हैं। एथिकल हैकर्स की दुनिया में ये एक फेमस टूल है। इसके हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कम्युनिटी एडिशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रोफेशनल एडिशन है जो कि पेड वर्जन है और आपको इसे बाय करना पड़ता है। देन हमारे पास इंटरप्राइज एडिशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के लिए है। तो ये हमारी पोर्ट्सविगर की प्रोडक्ट है जो कि हर बंदा इससे अवेयर है। देन हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन का टैब है जिसके अंदर हमारे पास लर्निंग पाथ अवेलेबल हैं, अटैक सरफेस विजिबिलिटी, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इसके अंदर अडेप्ट हो सकते हैं। देन हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के हवाले से कंप्लीट गाइड है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हवाले से, बग बाउंटिंग हंटिंग के हवाले से कंप्लीट यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रैक अवेलेबल है, आप इसे हेल्प आउट हो सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे रिसर्च का टैब है जिसके अंदर आपको लेटेस्ट जो रिसर्च वर्क है वो भी अवेलेबल है। लाइक राइट नाउ यहाँ पे मेकिंग डी सिंक अटैक्स इजी विद ट्रेस ब्लाइंड सी एस एस एक्सफिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेट अननोन वेब पेजेस, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एकेडमी का जो कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आई रियली लाइक इट। यहाँ पे आपको इसे एक्सेस करने के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे और देन लॉग इन कर सकेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम डैशबोर्ड पे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें लॉग इन करना पड़ेगा। देन हमारे पास लर्निंग पाथ्स हैं, लर्निंग पाथ में आप देख सकते हैं कि आपको API टेस्टिंग और वेब LLM और आपको लेटेस्ट अटैक्स और जो भी अटैक एग्जिस्ट करते हैं राइट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपको सारे के सारे यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं। आप थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली इनको एक्सेस कर सकते हैं। अप्रेंटिस जो है हमारे पास स्टार्टिंग जो बिगिनर्स लेवल की होती हैं लैब्स उसके लिए है, और प्रैक्टिशनर हमारे पास जो मिड लेवल है उसके लिए, और देन हमारे पास एक्सपर्ट भी अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लेटेस्ट टॉपिक्स का टैब है और इसके अंदर हमारे पास जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे सिक्योरिटी में टॉपिक्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाइक वेब LLM, API टेस्टिंग, नो SQL इंजेक्शन, रेस कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो आपको सारे लेटेस्ट टॉपिक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन हमारे पास ऑल कंटेंट्स है जिसमें हमारे पास टॉपिक वाइज और लैब्स वाइज जो है डाटा अवेलेबल है। अगर हम लैब्स को ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पे SQL इंजेक्शन है जिससे हर बंदा अवेयर है। तो इसके अंदर आपके पास अप्रेंटिस लेवल की लैब्स हैं, देन हमारे पास प्रैक्टिशनर लेवल की लैब्स हैं, और देन हमारे पास यहाँ पे इसमें एक्सपर्ट का टैब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखें तो यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल की लैब्स भी अवेलेबल हैं। तो ये आपको अगर इस प्लेटफॉर्म से आप टॉपिक को लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, आप इससे हर चीज़ से अवेयर होंगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसी टॉपिक उसकी टाइप कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मिस हो सके। इन लैब्स को एक्सेस करने के लिए आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। और देन हमारे पास अगर आप टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिकल अभी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे इसे
पहले लर्न कर सकते हैं और फिर आप लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों को इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं होती कि सर्वर साइड टॉपिक्स कौन से हैं और क्लाइंट साइड टॉपिक्स कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका डिफरेंट कैटेगराइज करके टैब्स अवेलेबल हैं कि सर्वर साइड टॉपिक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और इनकी लैब्स भी हैं। लेट्स सपोज अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सारी की सारी जो थ्योरी है वो अवेलेबल है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं, फिर इसकी टाइप्स क्या हैं, यूनियन अटैक, बूलियन अटैक, हर चीज़ अवेलेबल है। देन हाउ टू प्रिवेंट, आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, चीट शीट भी अवेलेबल है। और अगर आप इन सारी थ्योरी के हवाले से पहले ही इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप टॉपिक को लर्न करें पहले, उसकी एक जो टाइप है उसको लर्न करें और देन उसके अंदर आपके पास जो है उसके नीचे आपको उसकी लैब भी मिल जाएगी। तो आप इस तरह सीक्वेंस के साथ, जैसे ये सबवर्टिंग एप्लीकेशन लॉजिक है तो यहाँ पे इसको पहले लर्न करें और देन इसके बाद आप इसकी लैब को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल जो है हर एंगल से कवर अप करता है। देन हमारे पास मिस्ट्री लैब्स हैं जो कि एक एडवांस लेवल है। हॉल ऑफ फेम में आपके पास लीडर बोर्ड है जिसके अंदर आपके पास जो जिन यूज़र्स ने, जिन एंथुसियास्ट ने सारी की सारी लैब सॉल्व की हैं उनकी यहाँ पे जो नेम है वो आ रहे हैं। ये 50 नेम जो है वो एक टाइम पे यहाँ पे शो करता है। ये वो नेम है जो आप लॉगिन करने के बाद अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। कई लोग अपना नेम ऐड करते हैं, कोई एज आ एनोनिमस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप को। तो ये टॉप 50 जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं जिन्होंने 260 आउट ऑफ 263 लैब सॉल्व की हैं, और ये लिस्ट जो है ये 24 आवर्स बाद अपडेट हो जाती है। तो नेक्स्ट जो सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने ये लैब सॉल्व की हैं उनके नेम यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हॉल ऑफ फेम है अगर हम एकेडमी पे जाएं दोबारा। और लास्ट पे हमारे पास आपको जो पोर्ट्सविगर है ये सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनकी लैब्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो देन आप आके यहाँ पे सर्टिफिकेशन को भी हासिल कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के हवाले से कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हिंट्स और गाइडेंस भी आपको अवेलेबल है, और सर्टिफिकेशन को कैसे जो है वो एक्सेस करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एग्ज़ाम में हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक सिंपल बर्ब सूट सर्टिफिकेशन है और देन बर्ब सूट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसकी प्राइस है, आपको ये पे करनी पड़ेगी और आप बर्ब सूट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। तो आपको बर्ब सूट की सर्टिफिकेशन जो है वो भी मिल सकती है और बहुत से लोग अब इसको सर्टिफिकेशन को जो है वो गेट कर रहे हैं। देन हमारे पास सपोर्ट का टैब है जिसमें आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं, आप गेट स्टार्टेड यानी प्रोफेशनल के हवाले से सारी जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं, इंटरप्राइज एडिशनल के हवाले से बर्ब सूट के सारी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। तो और यहाँ से आप इसके वर्जन, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पोर्ट्सविगर के हवाले से, जिसमें हमने आपको पोर्ट्सविगर के हवाले से गाइड किया है, पोर्ट्सविगर क्या है, वेब सिक्योरिटी एकेडमी का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप यहां से लर्न कर सकते हैं, इसकी लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं और बिगनर से एक्सपर्ट तक का सफ़र कैसे कवर कर सकते हैं। ये मेरा दावा है कि जो इसकी सारी की सारी टॉपिक्स को लर्न करेगा और लैब को एक्सेस करेगा और उनको सॉल्व करेगा तो वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बन जाएगा। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं बर्ब सूट के हवाले से भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.